गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज हम बनाएंगे इजी बोर्ड ड्राइंग। तो सबसे पहले आपको लेना आपका ड्राइंग बुक, इस तरह से आपको बॉर्डर बना लेना है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ हमें लेनी है स्लैंटिंग लाइन, सेम अपोजिट स्लैंटिंग लाइन, ठीक है। अभी यहाँ से हमें कर्व लाइन लेनी है और यहाँ जो सेकेंड लाइन हमने बनाई है वहां पर टच कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर हम बनाएंगे हाफ ओवल, देन अगेन स्लीपिंग लाइन, देन कर्व लाइन। यहाँ पर हम लगाएंगे स्ट्रेट लाइन, यहाँ पर बनाएंगे हम फ्लैग। यहाँ से भी हम ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, यहाँ तक हमें लेनी है इस तरह से स्ट्रेट लाइन, देन अगेन ओके। ये बोट हमारी रेडी हो गई। अब हम यहाँ पर इस तरह से वेवी लाइन बनाएंगे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस लेके हमें इस तरह से वेवी लाइंस बना लेनी है। यहाँ पर यहाँ हम लेंगे स्ट्रेट ग्राउंड लाइन, ओके। यहाँ पर हम छोटे छोटे ट्रीज बनाएंगे, कर्व लाइन यूज करके इस तरह से हमें छोटे छोटे ट्रीज बनाने। यहाँ पर क्लाउड बनाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा ड्राइंग रेडी है। अब हमें क्या करना है, इस पूरे ड्राइंग को एक तो मार्कर पेन से या फिर स्केच पेन से आउटलाइन कर लेना है, ठीक है। तो मैंने इसे पूरा आउटलाइन कर दिया। अभी यहाँ ये जो फ्लैग है इसमें हमें करना है ऑरेंज कलर, कलरिंग हमें संभाल के करना है, कलर बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलना चाहिए, ओके। देन ये जो बोट है इसमें हम करेंगे ब्राउन कलर, हमें कलरिंग करते समय एक ही डायरेक्शन में कलर करना है। ये ब्राउन कर लिया है, यहाँ पर अब मुझे हमें करना है डार्क येलो। यहाँ पर मैं थोड़ा डार्क ले रही हूँ, फिर जैसे हम आगे कलर करेंगे वो थोड़ा लाइट कलर लेंगे। इस तरह से हमें शेडिंग करना है। यहाँ पर मैंने डार्क लिया है और फिर आगे मैंने थोड़ा थोड़ा लाइट कलर लिया है, ठीक है। देन अगेन हम यहाँ पर लेंगे ब्राउन कलर, बाहर वाली साइड में हम थोड़ा लाइट कलर ही लेंगे। फिर हम उसमें रेड अप्लाई करेंगे
और ये जो साइड है यहाँ पर हमें डार्क कलर करना है। पर क्लाउड्स है इसमें थोड़ा थोड़ा स्काई ब्लू करना है हमें। ये जो कॉर्नर कॉर्नर से क्लाउड के बस यही पर हमें स्काई ब्लू करना है, बाकी हमें व्हाइट ही रखना है। इस साइड में भी उसी तरह से करेंगे हम। जो हमने छोटे प्लांट्स बनाए थे नीचे हमें करना है डार्क ग्रीन। देन ऊपर वाली जो साइड है यहां हमें करना है लाइट ग्रीन। इस तरह से हमें शेडिंग करना है। इस तरह से हमें ये पूरे जो प्लांट्स है इनको कलर कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने ये डार्क एंड लाइट ग्रीन कलर अप्लाई करके इस तरह से शेडिंग किया है। अब ये जो वेव्स है यहाँ पर हमें सबसे पहले जो फर्स्ट वेव है उसमें डार्क ब्लू करना है। नेक्स्ट जो वेव है उसमें करना है हमें स्काई ब्लू। इस तरह से हमें अल्टरनेट ये कलर करना है। इसके बाद हम फिर से डार्क ब्लू लेंगे, फिर अगेन स्काई ब्लू लेंगे, देन अगेन डार्क ब्लू ब्लू, देन अगेन स्काई ब्लू। इस तरह से हमें ये पूरे वेव्स कलर कर लेंगे। तो ये आपका ड्राइंग रेडी हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने डार्क ब्लू लिया है, फिर स्काई ब्लू, अगेन डार्क ब्लू, स्काई ब्लू, डार्क ब्लू, स्काई ब्लू। इस तरह से आपको ये वेव्स में कलर करना है। इस तरह से आपको ये ड्राइंग कंप्लीट करना है, इसका फोटो क्लिक करना है, मुझे सेंड करना है।